केटरिंग स्टाइल बोला जाए या भटियारा स्टाइल बोला जाए, चिकन कोरमा की मेकिंग आपने बहुत सारे यूट्यूब पे मेकिंग देखे होंगे, बट इससे आसान, इससे डिलीशियस, क्रम्शियस आपने मेकिंग आई बेट नहीं देखा होगा, और अगर देखा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़ैनब अली फ्रॉम ज़ैनब कुक हाउस। सो आज का जो वीडियो है वो सभी को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये है चिकन कोरमा शादियों वाला। तो चिकन कोरमा आपको पता है कि कुछ भी रहे, बिरयानी रहे, पुलाव रहे या तहरी रहे, बट कोरमा ज़रूर रहता है हर शादी में। सो इसके अंदर है सीक्रेट रेसिपीज़ भटियारा की, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने ज़ैनब कुक हाउस को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो करें। कोरमा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही हिट डिश है मुस्लिम शादियों में। और मिस्टर राहिद ये एक सब्सक्राइबर है और मेरे सबसे चहीते हैं, तो ये है आपके लिए। थोड़ा लेट ही हो गया अपलोड करने में, सो वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, बट अभी आप एंजॉय करें। तो ये आ गया सबसे पहला स्टेप, जो बनाना है बेस, ओनियन एंड टमाटो का पेस्ट। तो बहुत ही फाइन आपको इसे ग्राइंड करना है, ताकि इसके कोई भी चंक्स जो है वो ग्रेवी में ना आए। एज आई सेड बिफोर कि ये केटरिंग स्टाइल है, मुस्लिम शादियों में बनती है, तो उसमें एक फाइन क्वालिटी होती है, एक फाइन पेस्ट होता है, जो आपको खा के ऐसा लगता है कि आप कुछ मलाई खा रहे हो नान के साथ। तो एक से एक स्टेप है इसके अंदर, ध्यान से देखें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। सॉल्ट जो है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे सॉल्ट नहीं डाला, सो दैट इज़ अ कॉमन सेंस कि आप अपने हिसाब से सॉल्ट डालोगे। यहाँ पे आ गया कुछ पेस्ट, जिंजर गार्लिक और रेड चिली और ग्रीन चिली का पेस्ट। तो फर्स्ट प्रोसेस है कि आप एक बड़ी से पतीले में ऑयल गर्म कर लीजिए। इसको घी में भी बनाया जाता है, क्योंकि आखिर में ऐसा बटर पड़ेगा, तो घी नहीं डाला है। अगर आप घर पे बना रहे हो तो आप घी डाल दीजिए। उसके बाद गया है हल्का सा दालचीनी, ज़ीरा, और इसको अच्छे से भून लेना है, और थोड़ा तेज़पत्ता। ये 1 kg का मेकिंग है, तो इसमें जो चिकन पड़ा है वो है 1.25 kg चिकन, दैट इज़ 1 kg 250 grams, ठीक है। इसके बाद आपको ओनियन एंड टमाटो का जो पेस्ट है, इसे इतना भूनना है कि इसमें ज़रा भी मॉइस्चर ना हो। आप इसे जितना अच्छा भूनोगे, जितना अच्छा आपका फाइन पेस्ट होगा, तो वो जल्दी भुनेगा, और अगर जल्दी भुनेगा तो आपका टाइम बचेगा। तो आप अच्छे से इसे भुने, और इतना भुने कि पूरा ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। वैसे तो कोरमे की रेसिपी जो है, या मेकिंग शादियों में जो है, वो बहुत तरीके की मेकिंग है, बट ये एक बेसिक मेकिंग मैं आपको बता रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत सारे रेसिपीज़ मेकिंग अपलोड होने वाले हैं चैनल पर, तो बने रहिए। इसके बाद गया है जिंजर पेस्ट। जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट आपने देखा, दोनों अलग अलग पिसा हुआ है, साथ में नहीं आपको पीसना है। हर एक चीज़ का एक तोड़ होता है, तो वही आपको फॉलो करना है। इसके बाद गया गार्लिक पेस्ट। तो गार्लिक पेस्ट ज़्यादा थिक नहीं है, थोड़ा सा पानी डाल के इसे आपको ग्राइंड करना है। गाइज, अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप ज़रूर से फॉलो करें। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद गया ग्रीन चिली और रेड चिली का पेस्ट। तो इक्वल क्वांटिटी है, आप थोड़ा सा ग्रीन चिली ले लीजिए, थोड़ा सा रेड चिली ले लीजिए, थोड़ा सा भिगा दीजिए पानी में, उसके बाद आप इसे ग्राइंड कर लीजिए, या फिर आपको डायरेक्ट भी करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हल्दी बहुत डालते हैं, तो देखिए हल्दी एक्चुअली फ्लेवर बढ़ाता है। तो हल्दी आप अगर घर पर बना रहे हैं तो बिल्कुल भी इतना हल्दी मत डालिए, क्योंकि वो उनका ट्रिक होता है, उनको पता है कि हल्दी कब इवॉपरेट हो जाती है, ठीक है। तो आप थोड़ा ही हल्दी डाल के घर पे भूनिए। अब इस चिकन को बहुत भूनना है, मतलब ऑलमोस्ट आप 60% इसे इसी में भून भून के ही आपको पका लेना है। अब गया सॉल्ट। तो जिन्होंने कमेंट किया है कि सॉल्ट नहीं डालते हैं, तो आप देख लीजिए कि सॉल्ट डाला है।
अब आ गया तड़के की बारी। तो बेसिक तड़का है, आपको थोड़ा सा ऑयल गरम करना है, ये इस जगह पे आप थोड़ा घी भी डाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा, ये एक्चुअली पेस्ट बन रहा है, ठीक है, सेकंड पेस्ट है ये, इसमें आपको डालना है ज़ीरा। तो शाह ज़ीरा नहीं है, ये जो नॉर्मल हम ज़ीरा यूज़ करते हैं वही है ज़ीरा, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा डाल देना है गार्लिक पेस्ट, नहीं सॉरी ये जिंजर पेस्ट है, तो आप जिंजर पेस्ट डाल दीजिए, ठीक है। इसको अच्छे से भून लीजिए ताकि इसका जो कच्चापन है उसका कोई भी स्मेल, रॉ स्मेल ना आए। कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो ना तो उसको भूनना बहुत ज़रूरी है, आप जितना अच्छा भूनोगे उसको अच्छा टेस्ट उतना आएगा। अब गया इसमें बेसन, तो पहले भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तो ये जो है ये एक बेस है जिससे एक थिकनेस आती है। आपने देखा कि ओनियन और टमाटो का पेस्ट उतना नहीं गया है, तो ये देता है थिकनेस और टेस्ट, फ्लेवर बढ़ाता है। इसके बाद गया काजू कनी का पेस्ट, तो काजू कनी अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल कैशूज आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसे बारीक पीसे, कोई भी चीज़ को बारीक पीसना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जितना अच्छा पीसोगे उतना अच्छा उसका फ्लेवर आएगा। और अभी गया इसमें थोड़ा सा ऑयल, ऑयल में इतना नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी कैशूज़ का जो ऑयल होता है वो बहुत निकलता है, तो ये भून जाएगा। थोड़ा सा हल्दी जाएगा, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी नहीं तीखी वाली मिर्ची, ठीक है। अभी आपको इसको भून लेना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब तक ऑयल सेपरेट ना नहीं होगा ना, तो आपको उतना भूनना है, क्योंकि फिर ये ग्रेवी जो है ना वो आपका टेस्ट पूरा ख़राब कर देगा। यहाँ पे आपने देखा चिकन पूरा भून चुका है अच्छे से, थोड़ा रोस्ट भी हो चुका है। अब गया इसमें धनिया पाउडर, फ्रेश यूज़ करें, घर पे बना रहे हैं तो ज़रूर से फ्रेश यूज़ करें, डोंट यूज़ रेडीमेड थिंग्स। उसके बाद इसमें गया थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, तो कश्मीरी आप थोड़ा सा ले ले, या फिर थोड़ा सा आप तीखी वाली मिर्ची ले ले, या दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आप इसमें डाल सकते हैं। अब गया काजू का पेस्ट, काजू बेसन का पेस्ट जो हमने बनाया था, दैट इज़ अ सेकेंड लेवल, तो ये आपको ऐड कर देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। सो गाइस, ये है मेकिंग, ठीक है, ये रेसिपी चैनल नहीं है, ये मेकिंग है कि कैसे भटियारे लोग बनाते हैं, ये आपको एक अंदाज़ा देता है। तो अगर आप इसे प्रॉपर देखोगे, प्रॉपर घर पर फॉलो करोगे, तो आपका रेसिपी अगर आप जो घर पर बनाते हो वो कभी फेल नहीं होगा। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एक एक स्टेप जो है वो प्रॉपर देखें। अब किसी ने पूछा है कि शिमला मिर्ची क्यों डालते हैं, तो ये स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको टेस्ट चाहिए तो शिमला मिर्ची स्किप बिल्कुल ना करें। बट अगेन, अगर आप 1 किलो का ग्रेवी बना रहे हो या 1.5 किलो का ग्रेवी बना रहे हो, तो आपको एक मीडियम साइज़ का शिमला मिर्ची यूज़ करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। अब इसमें गया गरम मसाला पाउडर, जब पूरा ग्रेवी बन चुका है उसके बाद ही इन लोग ने गरम मसाला पाउडर डाला है, और थोड़ा सा इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप अगर बनाओगे ग्रेवी तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बहुत लजीज बनेगी। अब गया इसके अंदर 100 grams ऑफ बटर, तो यहाँ पे बन जाती है ग्रेवी। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। सो गाइस, आई होप आपको कोरमा की रेसिपी ज़बरदस्त मज़ेदार लगी होगी, तो ज़रूर से बनाएं, और अगर बनाया है तो मुझे टैग करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप कुछ मेकिंग कर रहे हैं। तो अभी रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान की काफ़ी रेसिपीज़ चैनल पे अपलोड होने वाली है, रेसिपीज़ नहीं मेकिंग अपलोड होने वाली है, तो आप बने रहिए, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। और गाइस, we have uploaded one more recipe of bhatiara making, which is mutton pulao. मैंने last Sunday upload किया है, उसका link मैं आपको ऊपर दे रही हूँ, तो आप उसे भी check करें, वो तो शानदार है। So मिलते हैं next making के साथ, till then take care, Allah Hafiz.